अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो पहले आपको याद है रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है? रेस्पिरेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हम जो भी खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज और फैट, ठीक है। वो उस ग्लूकोज और फैट को हम अपने शरीर में स्टोर करते हैं और अल्टीमेटली उसको हम लास्ट में ग्लूकोज के फॉर्म में ही बदल देते हैं, फैट को भी ग्लूकोज में बदल देते हैं। और जब फैट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो CO2 और H2 और साथ में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ये लिखी हुई है कौन सी रिएक्शन है? ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। इसमें साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो क्या है? प्रोड्यूस हो रही है, पैदा होती है, जिसी से तो हम काम करते हैं भाई। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी एनर्जी से हम काम करते हैं, ठीक है। और कोई भी रिएक्शन जो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन कंसीडर की जाती है, मानी जाती है क्या? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है। क्यों? बिकॉज क्योंकि इन रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। यहां ध्यान से देखिए, ग्लूकोज है ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जो किसको प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ पर हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। एज शो इन द फिगर, जो कि इस फिगर में मतलब सॉरी एज शो इन दिस केमिकल रिएक्शन, जो इस केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट है। और वेन एवर एनी रिएक्शन, आगे और लिख सकते हैं, वेन एवर जब कभी एनी रिएक्शन प्रोड्यूस हीट इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझ लिया तो प्लीज हमारे वीडियो को बदले में सिर्फ आप शेयर कर दीजिए किसी भी एक रिसोर्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हाइक पे, जो भी आपके पास ऑप्शन है शेयर कर दीजिए। साइड से लाइक का बटन है वो दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लिस्ट बना रहे हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।